बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आज जो मैं रेसिपी आपके लिए लाई हूँ, ये सब के घर में ईद पर स्पेशली बनाई जाती है और सब इसको बहुत शौक़ से खाते हैं और सबको पसंद भी बहुत आती है। जिस तरीके से भी ये बनाई हुई हो, दूध में हो या भुनी हुई सेवैयाँ हो, इसको सब लोग बहुत शौक़ से खाते हैं जी। यहाँ मैंने मक्खन ले लिया था और मक्खन में मैंने अब इन सेवैयों को डाल के इसको थोड़ा फ्राई कर लूँगी। थोड़ी देर हम इसको फ्राई करेंगे और फ्राई करने के बाद इसमें अब यहाँ मैं शुगर ले लूँगी। हम इसमें चीनी डालेंगे जी। यहाँ चीनी डालने के बाद हम पानी डालेंगे और इसको कवर कर देंगे 20 मिनट्स के लिए, ताकि ये फुल कुक हो जाए। मेथड इसका वही है जो आम घरों में बनता है ईद पर, बस मैंने इसको थोड़ा सा न्यू लुक दे दी है और केक की शेप में दे दिया है, ताकि बहुत अच्छी और टेस्टी लगे सबको देखने में जी। यहाँ मैंने 20 मिनट्स के लिए इसको कवर कर दिया है और यहाँ हमारी सेवैयाँ तैयार हो चुकी हैं। देखें, अब हम इसमें कुछ भी जो आप अपनी मर्ज़ी से ड्राई फ्रूट डालना चाहें वो डाल सकते हैं। जी, ड्राई फ्रूट डालने के बाद मैंने ये पैन ले लिया था और केक की शेप में था ये पैन मेरा, और इसको मैंने रैपिंग शीट चढ़ा के इसको सेवैयाँ डाल दी हैं इसमें जी। यहाँ अब हम इसका अलहदा से एक खोया तैयार करेंगे ड्राई मिल्क का। मैंने बटर ले लिया है, इसमें मिल्क डाल दिया है और मिल्क डालने के बाद हम इसमें ड्राई मिल्क जो है पाउडर फॉर्म का जो होता है वो डालेंगे, और इसको भी आपने हल्की आंच पे ही बनाना है। हमारी सेवैयाँ भी हल्की आंच पे ही बनेंगी, क्योंकि हल्की आंच पे बनने से बहुत अच्छी पक जाती है वो। अब ये मैंने इसके ऊपर मैं डाल दूँगी। ये हमारा खोया तैयार हो चुका है और जो सेवैयाँ मैं ऑलरेडी उसमें डाल चुकी थी, इसके ऊपर मैं खोया डाल दूँगी। ये देखिए, मैं इसको पूरी तरह कवर कर लूँगी ताकि सेवैयाँ ऊपर से कहीं नज़र ना आए। और जब आप सेवैयों को थोड़ा सा प्रेस करेंगे और ऊपर इस तरह बनाएंगे और इसको अच्छी तरह ठंडा होने पर यूज़ करेंगे, उसके बाद ये इसके कट में आप किसी भी तरह इसके पीसेस कर सकते हैं। यहाँ मैं बादाम लगा दूँगी। ये हमारा रेडी हो चुका है और अब हम ठंडा होने का इंतज़ार करेंगे। इसको फ्रिज में रखेंगे फ्रिज में आप 30 to 35 मिनट्स, या मतलब 30 to 35 मिनट्स रख सकते हैं। यहाँ ये ठंडा हो चुका है, आप हम इसकी रैपिंग शीट को साइड पे कर देंगे। ईज़ीली ये बिल्कुल रैपिंग शीट रिमूव हो जाएगी और यहाँ हमारा डन हो चुकी है हमारी सेवैयाँ, मीठी सेवैयाँ। मुझे उम्मीद है आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक भी करें और शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें मेरे चैनल को। अल्लाह हाफ़िज़।